वासदेवपुर संयुक्त ग्रामीण मोर्चा ने शनिवार को बीसीसीएल प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर नरेश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोला। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी यहां के लोगों को ठगने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ आगामी 5 मार्च को कंपनी का चक्का जाम किया जाएगा। अब ग्रामीणों को काम दिए बिना एक छटाक कोयला यहां से जाने नहीं देंगे। कहा कि इससे पहले भी रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कंपनी के हाथों बिक गए, मजदूरों बेरोजगारों ग्रामीणों के हक को मारकर चुप हो गए हैं। मोर्चा ने कहा कि एक पत्र धनबाद उपायुक्त को देकर कोल डंप में नियम का पालन कराने की मांग की गई है। ट्रांसपोर्टर में चलने वाली वाहन का जांच डीटीओ से हो, कोल डंप में प्रदूषण फैल रही है, इसके नियमित उपाय किया जाए। कि हम लोग को यहाँ पर रोजगार चाहिए, और पहले भी हम लोग बैठे हुए थे धरना में, बात हुआ, और यहाँ पर सब जगह बांस जोड़ा में दिया जाता है। ट्रांसपोर्टिंग जो चलता है नरेश कुमार का, उसमें लोकल सरकार लेबर को 25 रुपया गाड़ी यहाँ पर एजेंट और सब गछे थे कि यहाँ पर लेबर को मिलेगा, और वो लेबर को पैसा किसी को नहीं मिला अभी तक। यहाँ माल भी सब खत्म हो गया, उठ गया है, और 25 रुपया जो गाड़ी गछे हैं वो हम लोग अभी तक किसी लेबर को मजदूर को किसी को हाथ में 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ क्या बात हुआ नहीं बात हुआ नरेश कुमार से या क्या हुआ, ये लोग किसी को कोई भी बात नहीं किया। बात किया गया था कि 28 को हम लोग बात करेंगे, 27 को बात करेंगे, 28 को हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो यहाँ बात भी हुआ या नहीं हुआ कुछ हम लोग किसी लेबर को मालूम नहीं चला, और क्या बात किए नहीं किए कोई मालूम नहीं हम लोग का। इसीलिए हम लोग आज हम लोग बैठे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और 5 तारीख को हम लोग चक्का जाम करेंगे। ये बात किन से क्या पंकज कुमार किन से बात की? सभी को नहीं क्या बोले रोजगार मिलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम लोग के आदमी बहुत पहले भी खटे थे, बीच में काम बंद हो गया था, इसके लगा के 3-4 बार हम लोग धरना में बैठे, बाकी कोई सुनवाई ना हुआ, बाकी इस बार हम लोग को मिलना चाहिए, ना तो 5 तारीख को हम लोग चक्का जाम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनी परवीन। कहाँ रहते हैं आप? एकरा झारखंड मोड़, बाजेपुर कुलेरी अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं नरेश कुमार प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्टर, यहाँ के ग्रामीणों को ठगना चाहता है और यहाँ के ग्रामीणों को ठग रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को एक भी नौकरी का मुहैया नहीं कराया गया और कार्य कर रहा, इनका पुराना कार्य 2 साल से कर रहा। हम लोग को यही कहना है कि ग्रामीणों को नौकरी का मुहैया करवाए, बस यही कहना। इससे पहले भी तो आंदोलन यहाँ पर हुआ था, उससे वार्ता नहीं हुआ था क्या? वार्ता में देखिए वार्ता तो हुआ, हम लोग को उस विषय से कुछ पता नहीं, यहाँ के ग्रामीणों को कोई नौकरी नहीं मिला गया। मांग क्या आपकी? यहाँ के ग्रामीणों को नौकरी की व्यवस्था करवाए, मुहैया करवाए। इससे पहले कोई प्रबंधक से इससे पहले कोई वार्ता वार्ता हुआ था आप लोग का? मौखिक हुआ था, मौखिक पे इससे पहले आज से कभी नहीं हुआ, इससे पहले बोला था कि रखेंगे तो देखते हैं। छलने का काम किया, बरगलाने का काम किया, बरगलाने का। आपका नाम? विशाल चौधरी। किस बैनर तले आप लोग? संयुक्त ग्रामीण मोर्चा। आगे की रणनीति इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या है? 5 तारीख को हमने ऐलान कर दिया है हम लोग के ग्रामीणों ने कि एक छटा कोयला नहीं उठने लगे, चक्का जाम कर दिया जाएगा। जब तक आपसे प्रबंधक बात नहीं करेगी तब तक? प्रबंधक और नरेश कुमार जब तक बात नहीं करेगी तब तक। ठीक है।